और एक अच्छा और सच्चा गुरु किसी भी रंक को राजा बनाने की क्षमता रखता है। आचार्य चाणक्य ने जो नीति रची तो कौन सा राजा बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। आचार्य चाणक्य की चाल चंद्रगुप्त के ऊपर ऐसी पड़ी कि लाखों लोग परास्त हो गए उसके पीछे षड्यंत्र करते करते करते। और याद रखना, तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे गुरु की छाप ऐसी पड़नी चाहिए कि तुम्हारे सामने लाखों संकट परास्त हो जावे। हमने कई बार एक सूत्र बोला था, गुरु को मानने वाला बुद्धू नहीं होता है, बुद्ध होता है। और गुरु खोजने से नहीं मिलते हैं, गुरु में खो जाने से मिलते हैं। और गुरु तुम्हें यहां वहां भागने से भी नहीं मिलेगा, गुरु तुम्हारे भीतर की चेतना जागने से मिलेगा। और मेरे साधु, पर्चा और चमत्कार तुम्हारी सिर्फ एक बात को पूर्ण करेंगे, एक प्रश्न का उत्तर देंगे, एक समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन मेरे पागल, हमारी आज की बात अगर तुमने ध्यान में कर ली और ध्यान में रख ली, जो घर बैठ करके भी लाइव देख रहे हैं और लाखों लोग घर बैठने के बाद में देखेंगे, और आप भी जो यहां बैठ करके, आज की बात अगर तुमने ध्यान में रख ली या आज की बात पर तुम चल गए, तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देने जा रहे हैं, अपनी जिंदगी का निज अनुभव का ऐसा मंत्र है कि तुम जीते जी हर प्रश्न का उत्तर पा जाओगे। और तुम पाने यही बैठे हो तो तुम्हारे पास खोने के लिए तो कोई चीज है नहीं, पाने ही बैठे हो, खोने के लिए है भी क्या, बचे ही नहीं है। पहले ही संसार में सब कुछ खो चुके हो। और अध्यात्म की यात्रा में अगर तुम मानते हो कि संपत्ति खो करके आए हैं, तो हम इसे खोना नहीं मानते हैं। संपत्ति तो हमारी दृष्टि में हमें लगता है धन और वैभव, और ये रुपया हमारी बुद्धि में कई बार बात आती है तो हमें लगने लगता कि ये छोटी मोटी बातें खोई हैं। बड़ी बात तो यह है कि तुमने व्यर्थ समय गवाया है। सबसे ज़्यादा तुमने जो खोया वो समय खोया है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। और धीरे धीरे तुम्हारे बाल भी सफेद होने लगे, वो कहने लगे बुढ़ऊ तपने वाला है, जल्दी माला ले ले। आंखें भी कम दिखाई देने लगी, आंखें कह रही हैं बुढ़े अब तो चेत जा, जिंदगी भर तूने सौंदर्य दर्शन किया है, अब तो तू ईश्वर के दर्शन करने की लालसा जगा। और कान भी तेरे बहरे होने लगे हैं बुढ़ा अब तो जाग, जिंदगी भर तू ढिसको ढिसको सुनता रहा, फलाना बदनाम हुई ठिकाने के लिए, तो जिंदगी भर सुनता रहा, अब तो इन कानों से गुरु की वाणी को सुन, अब तो अपने इन कानों से प्रभु की वाणी को सुन, अब तो इन कानों से भगवान की कथा को सुन, अब तो इन कानों से ईश्वर पाने की कोई कहानी तो सुन। और तेरे हाथ भी अब तो कपने लगे हैं, वो भी जवाब देने लगे हैं बुढ़वा, वो हाथ भी यही कह रहे हैं कि अब तो तूने बहुत ट्रैक्टर ट्राली चलाई, बहुत मकान बनाए, बहुत रुपयों की नोटों की गड्डी तूने गिनती की, अब एक काम कर, संसार की संपत्ति तो गिनती कर ली, अब राम नाम धन की गिनती बाकी है तेरे हाथों से। अब तो तेरे घुटना भी दबाव देने लगे प्यारे, घुटना भी कहने लगे ओ बुढ़के कितना भागेगा, रेस में तू हर बार हार जाता है, अब ऐसी रेस में जा जिस रेस में जीत ही जीत है, भगवान की भक्ति के मार्ग में भक्त की कभी हार नहीं होती है।
तो अगर तुम संपत्ति को खो करके बैठे हो, तुम अगर हमारी बात सुन करके कह रहे हो कि गुरुजी सच कह रहे हैं हमने बहुत कुछ खो दिया है, ये तो झूठी मिथ्या बदमाशी वाली बात है, क्योंकि तुमने दो कौड़ी की संपत्ति दो कौड़ी में अगर खो भी दी तो तुमने कुछ भी बड़ा नहीं खोया है। बड़ा तो तुमने समय खोया, शरीर खोया, तन खोया, मन खोया, धन खोया, और तुमने यहाँ तक कि अपनी इंद्रियाँ भी खो दी। अब एक काम कर मेरे पागल, आज की रात तू जगने का काम कर, और आज की रात में एक बात निष्ठा मानकर चल, हमारे गुरु का एक दिया हुआ सूत्र है और यहीं से हम अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। हमारे गुरु जी के पास जब हम 9 वर्ष की अवस्था में थे, शायद 11 व 12 साल की अवस्था में हमारे गुरु जी ने एक सूत्र दिया था, या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पर सब कुछ छोड़ दो। वो सूत्र आज भी हमारे दिमाग में डायरी के पहले पेज पर हमने लिख रखा था, उस जमाने में हमारी लिखावट के हमारे जो अक्षर थे वो आज भी एड़े टेढ़े बने हुए हैं। शायद 11 साल की अवस्था रही होगी हमारी, हमारे गुरु के शब्द थे, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी के हमारे शब्द थे। दादा गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा और दादा गुरु की बात आज भी वो गूंजती है हमारे दिमाग में, और हमारे गुरु ने कहा था, बेटा या तो गुरु को मानना छोड़ दे आज के बाद, या गुरु पर सब कुछ छोड़ दे। और ये बात तुम्हारे लिए भी है कि आज के बाद या तो तुम ईश्वर को मानना बंद कर दो या ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना। आज के बाद या तो हनुमान जी को छोड़ देना या हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ देना। आज के बाद या तो बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा पर सब कुछ छोड़ देना, या आज के बाद लौट कर इनको मानना नहीं। बेफिजूली में अपना तुम टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, अपना माता भी रगड़ रहे हो, यहां तुम ठंड में बैठे बैठे बर्बाद भी हो रहे हो। इससे अच्छा तुम थिएटर में जाकर फिल्म देखते तो कुछ आनंद भी आता, और अभी तक तो तुम 2-4 बार ठुमका भी लगा चुके होते। इससे अच्छा तुम कलारी में जाते, थोड़ा पगुआ पीते तो झूमते नागन डांस भी कर रहे होते। इसलिए मेरे पागल, आज के बाद, आज 2022 की आखिरी रात है, और आखिरी रात में तुम 2023 की जिंदगी एंगल 9 वर्ष के अनुसार शुरू करना, तो 12 बजे के बाद एक नई क्रांति के साथ शुरू करना। या तो गुरु पर सबको छोड़ना, या गुरु को आज के बाद छोड़ देना।